आइए अजीत सर से पूछते हैं, इंदौर में क्या खास हो रहा है? अरे इंदौर में काफ़ी सारी खास बातें चल रही है। अभी तो हम बच्चों के साथ डाउट्स बता रहे हैं हमारे इंदौर के विजयनगर सेंटर में, और आइए हम बहुत सारी खास सरप्राइजेज हैं आप सभी के लिए, चलिए मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अन अकेडमी इंदौर में हमने प्रतिज्ञा ली है ना इंदौर को नंबर वन बनाने की एजुकेशन में, और यहाँ पे हो रही है हमारे सारे प्यारे बच्चों के साथ एक्सट्रीम मेहनत। जो हमारी USP है बच्चों अन अकेडमी इंदौर सेंटर की ना, वो है सेंट्रल इंडिया की बेस्ट एक्सपीरियंस टीम, जो बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग टीम है वो आपको पढ़ाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी सीरियस माहौल चल रहा है, बच्चों के डाउट सेशंस यहाँ पे चल रहे हैं और बच्चे डाउट्स में पढ़ाई कर रहे हैं। आइए जानते क्या पढ़ाई चल रही है। बच्चों क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे? अरे ये तो फिजिक्स ही है। क्या नाम है तुम्हारा? सर अभिनव मिश्रा है। देखिए क्या पढ़ रहे हैं अभिनव मिश्रा, ये तो SHM पढ़ रहे हो लग रहा है। जैसे वही काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हो, एक्सीलरेशन निकाल रहे हो। बहुत सही, बहुत सही। कैसा लग रहा है यहाँ पे डाउट सेशन? कैसा है? बहुत ही बढ़िया सीरियस स्टडीज चल रही है। जैसे डाउट सेशन भी अच्छा, और टीचर्स अवेलेबल रहते हैं तो कभी डाउट होता है तो उनसे पूछ लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा वो लगता है। प्लस क्लास में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये देखो, यही तो USP है हमारी, केयरिंग, लर्नर्स की केयरिंग, बच्चों की केयरिंग। और बच्चों यहाँ पे आपके लिए ना हमने पूरी सुविधाएं रखी हैं, हर रिसोर्स जो आपको चाहिए आपकी तैयारी में, आपके उस ड्रीम कॉलेज को हासिल करने में, वो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। और बच्चों आपके लिए काफ़ी सारे सरप्राइजेस हैं, हमारी टीम में बहुत सारे मेंबर्स और जुड़े हैं, तो आइए उनसे हम मिलेंगे, मुलाकात करते हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं, और लगातार हमारी अन अकेडमी इंदौर की जो टीम है वो एक्सपांड होती जा रही है बच्चों। और बेस्ट टीचर्स जो भी हैं पूरे इंदौर में, पूरे सेंट्रल इंडिया में, मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ वो आपको अन अकेडमी इंदौर सेंटर में मिलेंगे। आइए मिलते हैं। पहले हम देखें, काफ़ी सीरियस डिस्कशन चल रहा है हमारे IIT के यहाँ पे, जो पूरे अकेडमिक हेड है SK सर हैं, फाउंडेशन टीम के जो अकेडमिक हेड है सर जितेश सर हैं, पूछते हैं क्या सीरियस डिस्कशन चल रहा है। सर क्या डिस्कशन चल रहा है? बस यही प्लानिंग चल रही है कि हम लोग कितने अच्छी तरीके से सर्विसेज दे पाए बच्चों को, जो भी उनके डाउट्स रहते हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाए, और जो उनकी क्लासेस का शेड्यूल है प्रॉपर तरीके से लगे और बच्चों के पास पहुंचे, और पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह सब चीज़ें रहती हैं, वही कर रहे हैं। करेक्ट। तो बच्चों देखा आपने कितनी बारीकी से हर चीज़ आपके लिए प्लान होती है बैकएंड पे। जितेश सर से पूछते हैं, सर क्या चल रहा है बच्चों के लिए, कैसी प्लानिंग चल रही है? बस सर जैसा सर ने बताया वही कि अब PTM कितनी रखनी है फाउंडेशन में, एंड टेस्ट की भी प्लानिंग हो गई हमारी कंप्लीट। अब बच्चों का अनाउंसमेंट करना है और नोटिस बोर्ड पे भी डिस्प्ले हो जाएगा टेस्ट का शेड्यूल। एकेडमिक कैलेंडर हमारा बस कंप्लीट ही होने वाला है, फिर वो भी हम बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बहुत सारी प्लानिंग चल रही है बच्चों। क्या बात है सर, क्या बात है। तो बच्चों देखा आपने, आपके एक एक डिटेल एकेडमिक प्लानिंग मिल रही होगी, आपको एंड डेट ऑफ द सिलेबस होगी। और बच्चों ये हमारी प्रायोरिटी है कि आपका सिलेबस पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए, टाइमली सिलेबस खत्म होना चाहिए, टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आपके लिए मटेरियल यहाँ पे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट डिज़ाइन किया गया है। और एक और सरप्राइज है बच्चों आपके लिए, हमारे साथ काफ़ी सारे नए टीम मेंबर्स जुड़े हैं, तो आइए आपको मिलवाते हैं सबसे। तो आइए बच्चों अभी हम मिलने वाले हमारे सत्यजीत सर से, अनिल शुक्ला सर से और नितिन राठौर सर से, आइए जानते हैं उनके बारे में। सर बच्चों को प्लीज़ थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं सत्यजीत कुमार, मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में एंट्रेंस की तैयारी लगभग 21 साल से ज़्यादा समय से करा रहा हूँ, और इस दौरान मैंने अलग अलग बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान के साथ काम किया। आज मैं अन अकेडमी के साथ हूँ और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मतलब यहाँ पर आने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत कुछ बच्चों के साथ में अच्छे से इंटरेक्ट करके उनका ग्रूमिंग में वर्क कर सकता हूँ, और बच्चे भी उसके हिसाब से ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत शार्प हैं, बहुत ही क्यूरियस हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बच्चों के साथ द बेस्ट कर सकें जो हम कर सकते हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वजह से हमारे पास से रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जीत सर, हम लोग बिल्कुल इस उम्मीद के साथ और इस ताकत के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखा आपने पूरी टीम की बस एक ही फोकस है, आपका रिजल्ट, आपकी केयरिंग, आपके लिए हो रही है बच्चों एक्सट्रीम मेहनत। आइए अनिल शुक्ला सर से जानते। हेलो बच्चों, मैं अनिल शुक्ला हूँ और मैं यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हम लोग जिस सर काफ़ी बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं और उनको भी मज़ा आ रहा है सभी को। और जैसा कि मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मुझे भी 20-25 साल का एक्सपीरियंस है और मैं भी कोटा के इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ, और इसके अलावा मैंने
इंदौर में भी अच्छे इंस्टीट्यूट में काम किया है सर। कोटा और... से अगर आप रिलेट करेंगे कोटा से और इंदौर में कंपेयर करेंगे तो आपको कहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है सर? सर अभी तो एक्चुअली इंदौर मेरा होम टाउन होने की वजह से भी मुझे एक काफ़ी अच्छा तो यहाँ पर लग रहा है वो आपका और पर्सनल कनेक्ट बिल्कुल बच्चों से कनेक्शन जो मेरा बन रहा है ना वो बहुत ही अच्छा बन रहा है। एक एक्चुअली और चीज़ देखने की आती है कि यहाँ पर जो रेशियो है पढ़ने वाले बच्चे और दूसरे बच्चों का जो रेशियो है वो हमारे अन अकेडमी में ऐसा है कि पढ़ने वाले बच्चों का रेशियो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फुल मॉब। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को वर्क करने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है और नो डाउट इन दैट वी विल डू बेस्ट। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सर, करेक्ट करेक्ट। तो बच्चों देखा आपने क्या बात बोली सर ने, आप ध्यान से सुने इस बात को, जितने भी पढ़ने वाले सीरियस बच्चे हैं उनकी फर्स्ट चॉइस है अन अकेडमी इंदौर ऑफलाइन सेंटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ सर हमको एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी मिलती है कि हमारे साथ इतना पढ़ने वाला बच्चा आ रहा है तो उसके रिजल्ट पे पूरा फोकस किया जाए, क्यों सर? बिल्कुल सर, हम रिजल्ट के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे हमारे जो हेड हैं इसके सर उन्होंने प्लान किया है कि अपन बच्चों के लिए कैसे करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बच्चे उस पर फुलफिल करेंगे हम उन चीज़ों को, बच्चों के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होंगी और एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है आपको और 100% मिलेगा हमें हमारी तरफ से। बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेगा बच्चों अन अकेडमी इंदौर में और इंदौर को टॉप बनाएंगे पूरे भारत के मैप पे, इंदौर अकेला चमकता हुआ सितारा होगा रिजल्ट के मामले में आईआईटी और नीट में। आइए हमारे साथ एक और मेंबर जुड़े हैं नितिन राठौर सर, जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। जी सर, थैंक यू इंट्रोडक्शन के लिए। बेटा बच्चों सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सर ने नाम तो बता ही दिया है। मैं आईआईटी धनबाद से ग्रेजुएटेड हूँ, काफ़ी 6-7 सालों से मैं आईआईटी के डिवीज़न में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को और काफ़ी संस्थानों के साथ मैंने काम किया, लेकिन यहाँ पर आके मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो एम्बियंस बना हुआ है यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं और जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं मतलब दैट्स अमेजिंग। तो मैं आईआईटीयन हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो ज़्यादातर बच्चे रहें वो आईआईटी के मतलब अच्छे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की ऐसे कॉलेजों में जाएं। तो यहाँ पर जो माहौल है अमेजिंग बच्चों, तो मैं तो यही बोलूँगा कि लेट्स क्रैक इट। क्या बात है सर, क्या बात है। तो डेफिनेटली अन अकेडमी इंदौर क्रैक करेगा बच्चों रिजल्ट में और बच्चों को टॉप आईआईटी कॉलेजेस और टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री पाने का सबसे आसान तरीका है अन अकेडमी इंदौर के साथ जुड़ना। सर एक बार साथ में हो जाए, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट।